कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष कृपा पाने के लिए करें इन चीजों का दान। जानिए महत्व और पूजन विधि। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। वहीं जीवन में दान पुण्य करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। किसी की मदद करना सबसे उत्तम कार्य माना जाता है। वहीं धार्मिक कार्यों और दान की महिमा का महत्व किसी विशेष त्योहार पर और भी बढ़ जाता है। जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा पर धार्मिक कार्य करने का आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। वहीं इस साल कार्तिक पूर्णिमा 12 नवंबर को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से 7 जन्म तक मनुष्य ज्ञानी और धनवान बना रहता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक मनुष्य ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिव संभूति संतति प्रीति अनुसूया और क्षमा इन चार कृतिकाओं का पूजन करने से भगवान शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। वहीं इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे साल स्नान करने का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। गंगा स्नान के बाद दीप दान का भी महत्व होता है। इस दिन मौसमी फल जैसे संतरा सेब शरीफा व उड़द दाल चावल और उजली चीजों आदि का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। जानिए पूजन विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको गाय दूध केले खजूर अमरूद चावल तिल और आंवले का दान अवश्य ही करना चाहिए।